कार्डियोथोरासिक सर्जन क्या होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार मेरे से पूछा गया है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा कार्डियोथोरासिक सर्जन के बारे में बताऊंगा। आप इस वीडियो से जानेंगे कि कार्डियोथोरासिक सर्जन अगर आपका सपना है, आपका ड्रीम है बनना, तो कैसे बन सकते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती है। आज सारा चीज़ डिटेल बताऊँगा। ये भी बताऊँगा कि लाइफ ऑफ कार्डियोथोरासिक सर्जन कैसी होती है, और लास्ट में हम बताएंगे कि कार्डियो एक थोरासिक सर्जन अगर बन जाता है और अगर वो नॉर्मल है और नॉर्मल किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट में प्रैक्टिस करता है, तो उसकी अर्निंग क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस के सिंह। आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। सो कार्डियोथोरेसिक सर्जन होते क्या हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कार्डियोथोरासिक, कार्डियो मीन्स हार्ट, थोरासिक मतलब चेस्ट के रीजन, यानी कार्डियोथोरेसिक सर्जन हमारे दिल की बीमारी साथ के साथ लंग्स और ईसोफेगस तक के चीज़ों को ठीक करते हैं। ये सर्जन है तो ऑब्वियस ये सर्जरी से ठीक करेंगे। मेडिसिन मतलब मेडिसिन देते ही देते हैं, बट इनमें सर्जरी का बहुत बड़ा रोल रहता है। आइए समझते हैं कि कार्डियोथोरेसिक सर्जन बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले सीढ़ी शुरुआत होती है क्लास टेंथ से। क्लास टेंथ में आपको साइंस लेना होता है, 11th 12th आपको साइंस के साथ करना होता है, इंक्लूडिंग बायोलॉजी होना होता है। आप 11th से ही तैयारी अपना नीट की कर देते हैं, नीट यूजी की, जहां पे आप 11th बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, साथ के साथ 12th भी पढ़ते हैं। 12th में गए तो 12th भी पढ़ते हैं, 11th भी पढ़ते हैं, तब क्योंकि नीट यूजी का पेपर इतना टफ होता है, एग्ज़ाम का पैरामीटर बहुत टफ होता है, सीटें बहुत कम होती हैं और हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते रहते हैं। आगे देखें 2023 में तो करीब 20 लाख अनुमान लगाया जा रहा है, तो इतना कंपटीशन टफ है। यहाँ से अगर आप पास होते हैं, नीट यूजी का एग्ज़ाम देते हैं और उसमें पास होते हैं, तो आपको एमबीबीएस करनी है किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से। मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको गवर्नमेंट से करना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसका मतलब उसमें पैसा नहीं लगता, वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपने एमबीबीएस किया और पूरा MBBS करने में करीब करीब 5-5.5 साल लग जाते हैं, 5.5 साल, उसके बाद नीट PG की तैयारी होती है। अगर आप बहुत अच्छे से फर्स्ट ईयर से ही नीट PG की ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं, तो आप एक ही बार में निकाल देते हैं, जिसका रेशियो बहुत कम होता है। उसमें भी आपको 1-2 साल का ड्रॉप लेना पड़ता है, यानी MBBS के बाद जब आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर और इंटर्नशिप ख़त्म हो जाता है, तब बहुत सारे स्टूडेंट जो MBBS कर चुके होते हैं, वो 1-2 साल फिर से ड्रॉप लेते हैं नीट PG की तैयारी करने के लिए। अगेन, नीट PG भी बहुत ही टफ एग्ज़ाम माना जाता है, जहाँ पे सीट बहुत कम होती है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बैठते हैं। और ड्रीम मेडिकल ब्रांच, कॉलेज तो छोड़ दीजिए, ड्रीम मेडिकल जो ब्रांच है वो मिलना बड़ा टफ हो जाता है। अगर आप वाकई कार्डियोथोरेसिक सर्जन बनना चाहते हैं, तो आपको सर्जरी ऑप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको नीट PG में बहुत अच्छा मार्क्स आना चाहिए, तब आपको सर्जरी एज अ ब्रांच मिलेगा, यानी MS। आप जनरल सर्जरी से आप अपने MS की शुरुआत करेंगे। तो अगर आपने नीट PG दिया और उसमें अच्छे नंबर आ गए, तब आपको सर्जरी करने का मौका मिलेगा, यानी सर्जरी में 3 साल आप पढ़ाई करेंगे और वो सर्जरी जनरल सर्जरी होती है। जनरल सर्जरी का मतलब कि पूरा सर से लेके पूरा पैर तक जो भी ऑर्गन है उसके थोड़े थोड़े चीज़ों को जानना। वो अभी स्पेशलाइज्ड नहीं है कि आप नॉर्मल अपेंडिक्स की सर्जरी कर सकते हैं, हर्निया की सर्जरी कर सकते हैं, गॉल स्टोन की सर्जरी कर सकते हैं, है ना, लिम्फेटिक वेसल्स में कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी सर्जरी कर सकते हैं। तो नॉर्मल आप सर्जरी सीखते हैं 3 साल में। 3 साल के दौरान अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अपना MS करते हैं, तो साथ के साथ आपको अर्निंग भी मिलती है। 1-10, 1-20 के अराउंड आपको अर्निंग मिल जाती है, 1-10,000, 1-20,000 के आसपास आपके अर्निंग होती है हर महीने। और साथ के साथ आपको कोर्स भी कर रहे हैं, तो मतलब सोने पर सुहागा जैसा रहता है कि आप, एक तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा 3 साल बाद कि आप MBBS MS हो गए, और साथ के साथ 3 साल तक आपको गवर्नमेंट पैसा भी देगी। अब आपने 3 साल तक पढ़ाई कर लिया और आप MS से MS कर चुके हैं, यानी सर्जरी में आपने MS कर लिया, यानी MBBS MS हो गए जनरल सर्जरी से, फिर आपको नीट SS का एग्ज़ाम देना पड़ता है। नीट SS मतलब पहले आपने नीट UG दिया जिससे आपने MBBS किया, फिर नीट PG दिया जिससे आपने MS किया सर्जरी में, अब आप नीट SS देंगे, यानी नीट सुपर स्पेशलिस्ट।
अब ये इसके लिए भी आपको ड्रॉप लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें पूरे इंडिया में 7-8 सीट है। आप समझ सकते हैं कि पूरे इंडिया में 7-8, 10-15 सीट हैं। गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, प्राइवेट में कुछ और है। अब प्राइवेट में लोग करते नहीं है क्योंकि उसमें पैसा देना पड़ता है, तो बहुत कम सीट होती है। पूरे इंडिया लेवल पे 10 सीट, 20 सीट है, तो ऑब्वियस है इसका कॉम्पिटिशन कितना टफ होगा, आप समझ सकते हैं। तो अगर आपका सपना है कि आप सर्जरी, आपने एमएस से किया, एमएस सर्जरी किया, जनरल सर्जरी किया, तो आपके ऑप्शंस खुल जाते हैं। अगर आप कार्डियोथोरासिक बनना चाहते हैं, न्यूरो सर्जन बनना चाहते हैं, कार्डियोथोरासिक सर्जन की बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी ऊपर वाला ब्रांच माना जाता है, तो उसमें आपको नीट एसएस का पेपर देना पड़ेगा और उस पेपर में बहुत अच्छा नंबर आएगा तब आपको कार्डियोथोरासिक सर्जन का ब्रांच मिलेगा। नहीं तो छोटा ब्रांच गेस्ट्रो का मिल सकता है या और कुछ कुछ ऑंको ऑंको का मिल सकता है, मतलब कैंसर वैंसर का मिल जाएगा। तो कार्डियोथोरासिक का जो ऊपर पूरा जाता है उसमें अगर आप बहुत अच्छा करते हैं तो कार्डियोथोरासिक सर्जन में आपका नंबर आ जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड MCH, MCH उसे बोलते हैं, जो कि मतलब अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। कार्डियोथोरासिक सर्जन मतलब MBBS, MS, MCH, कार्डियोथोरासिक सर्जन, जो कि मतलब आपके डिग्री आपके नाम के साथ जब चिपकता है तो उसका अलग ही ऑरा रहता है। तो आप कार्डियोथोरासिक सर्जन में आपका एडमिशन होगा, आप 2 साल 3 साल वहाँ पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करते समय बहुत एक डिसेंट सैलरी मिलती है और आप अब कार्डियोथोरासिक सर्जन बन चुके हैं। उसके बाद आप गवर्नमेंट या प्राइवेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। गवर्नमेंट में प्रैक्टिस करेंगे मतलब गवर्नमेंट में अप्लाई करेंगे तो आपका जॉब बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और गवर्नमेंट में आपको शुरुआत दौर पे 1.5 लाख 2 लाख से शुरुआत हो जाती है, और आप स्किल डेवलप करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत सारे पेशेंट आते हैं और तरह तरह की बीमारियों को ट्रीट करते हैं। एक कार्डियोथोरासिक सर्जन बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करता है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, आयोटिक वॉल डिजीज़, मेट्रल वॉल डिजीज़, लंग कैंसर, इसोफेगल कैंसर, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, टेट्रालोजी ऑफ फैलोट, ये बहुत सारी बीमारियों को डॉक्टर ट्रीट करते हैं। आपको पता है कि भारत में बहुत सारे CAD के पेशेंट हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के पेशेंट हैं, और अगर फैमिली हिस्ट्री है अगर हाइपरटेंशन और दिल की समस्या की, तो आपको दिल की बीमारी होनी लगभग तय है। हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है, हमारा खान पान ऐसा है कि आपको हार्ट की बीमारी होनी ही होनी है। तो ऑब्वियस ये डॉक्टर का जो कार्डियोथोरासिक सर्जन होते हैं, इनके मतलब कभी भी ये बहुत हाई पैकेज पे रहते हैं, और क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, और अगर कोई भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उसका मतलब उसका ऑरा ही कुछ और होगा। जितने भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत तगड़े तरीके से अर्न करते हैं। आप देखे होंगे कि हमारे भारत में जो बड़े डॉक्टर हैं जिनका नाम एक स्टेटस सिंबल है, जैसे डॉक्टर तुरहान, उनका स्टेटस सिंबल है, मेदांता के चेयरमैन है, वो भी कार्डियोथोरासिक सर्जन है। एक साउथ के भी बहुत ही फेमस कार्डियोथोरासिक सर्जन है, देवी सेठी। ये सारे मतलब आइकन हैं और इनकी अर्निंग मतलब सोची नहीं जा सकती है, बहुत तगड़े तरीके से अर्न करते हैं, जो कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं है पैसे बताने का, आप समझ सकते हैं। तो बहुत तगड़ी अर्निंग है, मतलब बहुत तगड़ी, ठीक है। पैसा तो बहुत है कार्डियोथोरेसिक सर्जन में। आप खुद का अपना सेंटर डेवलप कर सकते हैं, जैसे मेदांता ने, उन्होंने खुद का अपना सेंटर डेवलप किया हुआ, कितना बढ़िया हॉस्पिटल है। वैसे आप हार्ट के लिए स्पेशलिस्ट एक सेंटर डेवलप कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे चीज़ किया जा सकता है। आज के ज़माने में स्टेंट डालना काफ़ी कॉमन है, जिसको हार्ट अटैक आता है स्टेंट डलता है, और भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। तो मतलब कमाई आपकी मतलब बहुत ज़्यादा होने वाली है ना, पैसा ही पैसा होगा, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है। मेहनत तो होगा 10-15 साल, बट उसके बाद अर्निंग बहुत धमाकेदार होगी। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर पैसा नहीं कमाते हैं, लोग सोचते हैं अपने डार्क साइड ऑफ MBBS के बारे में बात करते हैं, बट वो कभी इतने ब्राइट साइड ऑफ करियर के बारे में कभी उन्होंने बात नहीं किया। शायद वो कभी सोचते ऐसा नहीं होंगे, क्या शायद वो कभी ऐसा देखा भी उन्होंने नहीं होगा, बट मेडिकल फील्ड में बहुत ब्राइट फ्यूचर है, ट्रस्ट मी। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसे लगे इसकी प्रतिक्रिया ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को पढ़ के बहुत खुश होता हूँ। और वीडियो कैसे लगे उसको भी बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।